हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की बिहाई बुक से एक बहुत ही प्यारी सी पोयम जिसका नाम है विंड। विंड मीन्स होता है हवा। हवा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो पोयम है यहाँ पर सुब्रमण्य भारती जो हैं, जो कि इसके पोएट हैं, जो तमिल में लिखते थे, उन्होंने इसको कुछ अलग ही कहा है। यानी कि वो विंड के माध्यम से चैलेंजेस के बारे में बताना चाहते हैं और वो हमें बताते हैं कि जो वीक पर्सन होते हैं ना, वो चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते हैं। उधर जो स्ट्रांग पर्सन होते हैं दूसरी तरफ, वो उन चैलेंजेस को फेस करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर हमने जाना कि ये जो पोयम है ये सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है तमिल में, और इसे ए के रामानुजन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में पोयम को। तो देखिए, यहाँ पर जो पूरा सीन है वो क्या है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो देखिए, जो हवा होती है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली बहती है, चलती है, और उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा विनाश होता है। आपने आंधी तूफान को देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, पेड़ टूटते हैं, तार टूटते हैं, घर गिरते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद। तो देखिए, यहाँ पर जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम फ्रेंडली मैनर से उस हवा के साथ, यानी कि चैलेंजेस के साथ रह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। तो देखिए, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हवा सॉफ्टली, यानी कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बहो, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। तो देखिए, शटर कहा गया है डोर्स को, दरवाजों को, और वो कह रहे हैं कि जो विंडो के दरवाजे हैं ना, उसको मत तोड़ो। हवा से कहा जा रहा है पोएट के द्वारा कि धीरे धीरे बहो और ये जो विंडो के दरवाजे हैं इनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, और जो पेपर रखे हुए हैं उनको मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ के अंदर बुक्स रखी हुई हैं उन्हें भी नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड एंड थ्रो देम ऑल डाउन। तो देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, वहाँ देखो, किससे कह रहे हैं पोएट, विंड से कह रहे हैं, हवा से कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या कुछ कर दिया है, तुमने जो है उन सभी को नीचे गिरा दिया है। किन सारी चीज़ों को, जैसे पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उन सबको तुमने नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और क्या आपने डिस्ट्रॉय किया है, जितनी भी बुक्स हैं उन सभी के पेजेस को टोर कर दिया है, फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और वो कह रहे हैं कि तुम फिर से वापस से बारिश को अपने साथ लेकर आ गई हो। तो देखिए, यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में क्या चल रहा है, इस पूरे पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो हवा से कह रहे हैं कि धीरे धीरे बहो, और जो खिड़की के दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो, और जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको स्कैटर, यानी कि उनको बिखराओ मत, इधर उधर मत फैलाओ, और आगे वो कहते हैं कि जो किताबें सेल्फ के अंदर रखी हुई हैं उनको मत गिराओ, और वो कहते हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया है, उन सभी को नीचे गिरा दिया है, तुमने सारे पेजेस बुक के फाड़ दिए हैं, और तुम फिर से वापस से बारिश को लेकर आ गई हो। नेक्स्ट पढ़ती हैं पैराग्राफ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एंड एट वीकलिंग्स। तो देखिए, वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा मजाक करती हो, बहुत ही चतुराई से मजाक करती हो, किसके साथ, जो कमज़ोर हैं उनके साथ। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस को कहा जा रहा है कि जो वीक पर्सन होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते और चैलेंजेस जो हैं उनके साथ मजाक करते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि तुम किस किस के साथ मजाक करती हो, किस किस को गिरा देती हो। तो वो कहती हैं कि हाउसेस को गिरा देती हो, वो जो दरवाजे हैं जो हिल डुल रहे हैं, मजबूती से नहीं खड़े हैं, वो सब गिर जाते हैं। राफ्टर्स यानी कि जो एक पिलर होता है वो गिर जाता है, लकड़ी गिर जाती है, और जो बॉडीज हैं यानी कि एक पूरा कमज़ोर शरीर हम कह सकते हैं या एक ढांचा कह सकते हैं, और जो जीवन है उसको भी तुम बर्बाद कर देती हो और दिलों को तोड़ देती हो। द विंड गुड विनोइस, विनोइस का मतलब यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, वो कहते हैं विनोइस, यहाँ पर विनोइस एंड कर्स कहा गया है कि तुम जो है उनको हिला देती हो, उनकी स्थिति से,
उन्हें डगमगा देती हो, उन्हें कर्श कर देती हो, उन्हें दबा देती हो, यानी कि चैलेंजेस जो हैं उनका फेस उसे फेस कौन नहीं कर पाता है, जो वीक पर्सन होते हैं वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं, वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। सो देखिए वो बता रहे हैं कौन, पोएट, जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं कि चलो हम एक स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं, हम जो घर बनाएंगे वो हम मजबूत बनाएंगे। लेट अस जॉइन द डोर फ्रिमली, और अपने दरवाजों को हम फ्रिमली जॉइंट करेंगे, यानी कि मजबूती से उन्हें जोड़ेंगे। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, और हम कोशिश करेंगे कि जो हम बॉडी बना रहे हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एकदम से फ्रेम हो, अस्थिर ना हो वो, यानी कि वो ऐसी हो जिसे हिलाया डुलाया ना जा सके। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, तो देखिए वो कह रहे हैं कि अपने दिल को मजबूत बनाओ। डू दिस, ऐसा करो, यानी कि अपने घरों को मजबूत बनाओ, उसमें जो दरवाजे लगे हुए हैं उसे मजबूत बनाओ, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो उन्हें स्ट्रांगली फेस करने की कोशिश करो, जिस चीज़ को आप जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो उसे स्ट्रांगली करो, और उसे ऐसा करो कि कोई भी हवा कोई भी चैलेंज आकर उसको ना हिला सके। अपने दिल को मजबूत बनाओ, किसी भी चैलेंज को फेस करते हुए आपको टूटना नहीं है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, हम ये सब करते हैं, तो जो हवा है यानी कि जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बताइए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कुछ बहुत सारे हिडन मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि जो चैलेंजेस होते हैं ना वो कमज़ोर लोगों को गिरा देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जो हवा होती है ना वो जो वीक फायर होती है, जो धीमे धीमे आग जलती है, उसको ब्लो आउट कर देती है, यानी कि उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिस, वहीं पर दूसरी जगह जब फायर स्ट्रॉन्ग होगी यानी कि इंसान मजबूत होगा तो वो रोर करेगी, जो फायर है वो रोर करेगी, पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्लॉरिस करेगी यानी कि पूरी तरह से दहाड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होगा वो चैलेंजेस के आने से हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, बल्कि मजबूती से उसका सामना करेगा और निखर कर सामने आएगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी कि हवा की फ्रेंडशिप या जो चैलेंजेस है उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी प्रशंसा हम हर रोज करते हैं, किसकी, जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं और हम कुछ बनकर दिखाते हैं तो उसकी प्रशंसा हम रोज करते हैं, हम कहते हैं कि हमने इस चैलेंजेस को फेस किया था और आज हम इस सिचुएशन पर हैं और आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो देखिए पूरी पोएम में जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें मजबूती से जो चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में उन्हें फेस करना है और मजबूती से उनके सामने खड़े रहना है, हमें हिलना डुलना या गिरना नहीं है, तब हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां पर सब लोग हमें पहचानेंगे, सब लोग आपको पहचानेंगे कि हमने इन चैलेंजेस को फेस किया फिर भी हम गिरे नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि आप स्ट्रांग हैं, हम स्ट्रांग हैं और हम इन हवाओं से, इन चैलेंजेस से हिलने वाले नहीं हैं। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम ये सभी जो हमारे स्टेंजास हैं इनके एमसीक्यू पर स्टेंजा एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।